अस्सलाम वालेकुम। अपना किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपना किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं पालक के पकोड़े। पालक के पकोड़े बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए आपको बताते चलें। एक गट्ठी पालक ले लेंगे। सब्ज़ प्याज लेकर काट लिया है, और जो इसका सफ़ेद हिस्सा था वो भी हमने थोड़ा सा काट लिया साथ ही, और सब्ज़ मिर्च भी काट ली है। सुरख मिर्च ले लेंगे पिसी हुई आधा चम्मच। आधा चम्मच दड़ा मिर्च लिया हमने। एक चम्मच भरकर हमने एक कुटा हुआ धनिया लिया है। आधा चम्मच नमक है। आधा चम्मच अजवाइन है। आधा चम्मच ज़ीरा है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 कप बेसन हम ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। थोड़ी सी पालक लेकर हमने बारीक काट ली है। बेसन में सब ये मसाला जात डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हरी मिर्च डाल देंगे। प्याज भी डाल देंगे। पानी डालेंगे बेसन में और इसे मिक्स करेंगे। इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमने बना लिया। अब इसमें पालक डालेंगे और मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से। अब पालक भी आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पेस्ट देखें हमारा बन चुका है। अब तकरीबन 10 मिनट इसे रेस्ट देंगे, फिर इसके पकोड़े बनाएंगे। कढ़ाई में तेल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल के गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें पकोड़े तलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन्हें पलट देंगे। हमने सिर्फ पालक डाली है, आप इसमें चिप्स की तरह लंबे लंबे आलू भी काट के डाल सकते हैं, या आलूओं को भी कश करके डाल दें इसमें। पकोड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं। आज मौसम बहुत अच्छा था और बारिश वाला था, तो मैंने सोचा अपने तमाम देखने वालों के लिए हम आज रेसिपी शेयर करेंगे पालक के पकोड़े की। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये पकोड़े अगर आपने बनाए तो कैसे लगे आपको। पकोड़े देखें प्यारा सा कलर आ गया इनको। अब इन्हें डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।